Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer, Polytechnic College. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि IE3209 के कोड में आता है फॉर सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स. इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग दी वेरियस एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ लिक्विड्स. When the light rays passes through the liquid, how much is quantity of light rays absorbed? It can be find it out by this spectrometer. कई तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस ऑफ लाइट, किस तरीके की लाइट यूज की जा रही है. तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जैसा कि अपन देख रहे हैं फिगर में. ये जो लाइट, ये ब्लॉक डायग्राम जो दिखाया गया है, लाइट सोर्स यहाँ पर जो बताया गया है, इट मे बी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, एक्स रे एंड वैरायटी वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रोमीटर इज डिफाइंड. इंफ्रारेड फोटोमीटर, अल्ट्रावायलेट फोटोमीटर लाइक दैट. तो इसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट ये दो भागों में डिवाइडेड रहता है. नंबर वन इज स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है एंड देन इट इज फोटोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक फोटोमीटर कहलाता है. टोटल दोनों ब्लॉक्स को मिला दें अपन तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बन जाएगा. स्पेक्ट्रोमीटर में बेसिकली क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है और लाइट सोर्स को एक एक्यूरेटली उसको डेविएट करने के लिए मैनोक्रोमीटर या प्रिज्म वगैरह यूज कर किया जा सकता है जिससे लाइट को डेविएट कर लेते हैं. एंड देन एडजस्टेबल अपरेचर रहता है जिससे लाइट की वेवलेंथ को वेरी किया जा सकता है. एंड देन क्यूवेट करके एक सैंपल, लिक्विड सैंपल जिसमें अपन स्टोर करते हैं उसको क्यूवेट का एक कंटेनर रहता है, उस कंटेनर से इस लाइट को पास किया जाता है. एंड देन वो लाइट जब इसमें से पास होगी तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ क्वांटिटी ऑफ लाइट इसमें से ट्रांसमिट कर जाएगी. वो ट्रांसमिट लाइट को अपन फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो रजिस्टर और फोटो सेंसर डिवाइस से अपन सेंस करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसकी लाइट की इंटेंसिटी को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो उस बेसिस पे लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितना पार्ट उसका ट्रांसमिट हुआ, इसको एब्जॉर्ब करने पर इसके अंदर जो एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिंग पावर है सैंपल की, इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है. इस मेथड से यह स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला डेविएशन. अगर अपन माने कि अगर I0 इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जब कोई सैंपल इसमें क्यूवेट में नहीं रखा गया है, इट मीन्स क्यूवेट खाली है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट T मीन्स वो लाइट सोर्स है, लाइट की इंटेंसिटी है जब इसमें कोई सैंपल रखा हुआ है. तो ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू IT इंटू I0. एब्जॉर्बेंस कहलाता है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ IT इंटू I0. इस फॉर्मूले से एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट की जाती है. इसको यूजली आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है, सच एज पेपर, मेडिसिन एंड क्लोथ इंडस्ट्री में इसको यूज में किया जा सकता है, प्लास्टिक में, लिक्विड्स में, एनालिसिस ऑफ लिक्विड्स, मेटल, फैब्रिक्स, कई तरीके की इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है. और ये एक बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन के साथ फोटोमीटर का यूज किया जाता है. कई तरीके के फोटोमीटर काम में लिए जाते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और वेरियस टाइप के फोटोमीटर्स यूजली काम में लिए जाते हैं. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. एंड डिजिटल आउटपुट जो है वो किसी भी डिजिटल काउंटर वगैरह के द्वारा या डिजिटल मीटर के द्वारा आप इसको मेजर कर लेते हैं. अकॉर्डिंगली जो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब हुई सैंपल के द्वारा और कितनी ट्रांसमिट हुई, इसका एग्जैक्टली एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिग्नल आप इसमें कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. थैंक्स.